We have been discussing a lot of theoretical knowledge throughout this course. Now time is to move towards practical knowledge. अब जब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं तो वन स्टेट ऑफ द आर्ट टूल कम्स इनटू आवर माइंड इज कॉल्ड वेका. अब ये वेका जो है इट स्टैंड्स फॉर वेकेटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस. अब ये वेकेटो क्या है, नॉलेज एनालिसिस क्या है, तो मे बी इट लुक वेरी वेरी स्ट्रेंज टू यू, लेकिन वेकेटो जो है बेसिकली एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिन्होंने ये टूल इंट्रोड्यूस करवाया था. और नॉलेज एनालिसिस जो डेटा माइनिंग के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी नॉलेज एनालिसिस ऑल्सो, कि गिवन डेटा में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेडिक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करना, कंक्लूड करना, ये सब जो है नॉलेज एनालिसिस में आती है. और वेका की जो बहुत ज्यादा शोहरत है दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन पर्पजेस, जिसमें हम अभी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के लिए बेजियन अप्लाई करना, रैंडम फॉरेस्ट लगाना, J48 लगाना, जो हम एल्गोरिथम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, ये सब की लाइब्रेरीज मौजूद हैं वेका में और बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, इनको आप इजिली यूज भी कर सकते हो. बैकग्राउंड जस्ट एज आई डिस्कस्ड, इट वॉज डिवेल्प्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड. वहां पर ये टूल बनाया गया था. इसको वेका, एक तो ये रीजन ये भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो में बनाया गया था. दूसरी रीजन ये भी है कि जो ये वेका है ये एक बर्ड है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो इन दो मुशाबियत की वजह से इस टूल का नाम वेका रखा गया. खैर, बैकग्राउंड और नाम जो है ये आप इजिली बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, विकीपीडिया से और डिफरेंट गूगल की सर्चे से कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये टूल हमें देता क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, अब करके आ सकते हैं, कंसेप्ट क्या है, क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, वो कुछ इस तरह की हैं कि हम डाटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें से नॉइज रिमूव कर सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं, एसोसिएशन रूल्स, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, डाटा विजुलाइजेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कौन सी चीजें जो हम नहीं कर सकते, बता सकते हैं आप? बताएं आप, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वेका ना करती हो जो हमने डेटा माइनिंग में पढ़ी है. अगर कोई चीज मिसिंग भी है तो इसके डिफरेंट एक्सटेंशन मौजूद हैं जो लोगों ने लिखी हैं, क्योंकि एक ओपन सोर्स टूल है और जावा में डेवलप हुआ है, तो इस पे एक्सटेंशन में लोगों ने बहुत सारे कोड की एड ऑन भी की हुई है. अब अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इसके साथ खेलना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप गूगल पे जाएंगे, वहां लिखेंगे गूगल, वहां पे जाके लिखेंगे वेका, और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी जिसके अंदर इस वेका की सारी डिटेल्स मौजूद हैं. और अच्छी चीज क्या है कि ये जावा में लिखा गया है, तो ये विंडोज पे भी चलता है, मैकिंटोश पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, और ओपन सोर्स है, इसमें आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं, अपने क्लासिफायर लगा सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल कर मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है.